एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के क्रियान्वयन के संबंध में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को समय से उसका लाभ दिलाए जाने के निर्देश दिए और कहा कि योजना में पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाए। और जो भी मदद मिल पा रही है हम लोग, मतलब जो अभी तक उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं आई, पूरे को डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सुविधाओं की कमी है उसके लिए फंड है 1,00,000 करोड़ का, जो फंड भारत सरकार ने किया है। इसमें कृषि के क्षेत्र में मध्यम से दीर्घकालिक ऋण की सुविधा जुटाना, उसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, जैसे सर जो हमारा 1,00,000 करोड़ की निधि है उसका डिस्बर्समेंट 4 साल के अंदर करना है, इसमें सर जो हमारे लाभार्थी हैं वो हो सकते हैं किसान, विपणन सहकारी समितियाँ, एनपीओ, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स, एसएचजीज एंड जेएलजी एक्सेट्रा, और जो लोन देने वाली संस्थाएं हैं वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, डीसीसीबीज, आरआरबीज, डीसीसीबीज वो जिनके साथ पैक्स एफिलिएटेड है। कितना दिया इसके लिए, क्या है टोटल है सरकार का AIF पोर्टल करके, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना है जो भी, तो उसके थ्रू होगा। इस स्कीम में हमारे डिस्ट्रिक्ट में सर अभी तक 9 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, वो पैक्स को ही हुए हैं सरकारी समिति को गोडाउन बनाने के लिए।